गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सारे अपने अपने काम में चले गए, यानी कि छोटे बच्चे यानी कि मेरे बच्चे, बड़े बच्चे यानी कि सासू माँ के बच्चे जो कि ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे वो सबसे ज़्यादा फैलाते हैं और उनको कोई भी सामान मिलती नहीं है, जगह पर रखी हुई रहती है फिर भी मिलती नहीं है। तो उन लोग के चले जाने के बाद मैं अपने काम स्टार्ट की हूँ। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, उसी वक्त मुझे याद आया कि इन्वर्टर में बहुत दिनों से पानी नहीं डलाया है, तो मैं सोची कि चलो देख लेती हूँ। तो रियल में उसका जो पानी होता है वो ख़त्म हो चुका था। तो सुबह की जो क्लीनिंग होती है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, कोने कोने को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक बार सुबह की जो क्लीनिंग एकदम डीप क्लीनिंग हो गई उसके बाद तो सारा दिन घर साफ़ ही रहता है। ऐसे मेरा बच्चों वाला घर है तो मुझे तो एक दो बार और झाड़ू लगाना है पड़ ही जाता है, लेकिन हाँ सुबह सुबह किया हुआ रहता है तो सिर्फ झाड़ू लगाना ही रहता है। तो इसीलिए मैं अच्छे तरीके से एकदम कोने कोने को साफ़ कर लेती हूँ, पोछा ओछा लगा लेती हूँ। तो सारे घर की हो गई है सफाई, उसके बाद फिर है किचन की बारी। तो किचन में तो मत पूछिए, सुबह सुबह एकदम घमासान युद्ध होता है मेरे घर में। बच्चे का नाश्ता, बच्चों का लंच, टिफ़िन सब कुछ बनाना रहता है। तो यहाँ पर मैं रात में बर्तन धुल के रखी थी तो कुछ तो नाश्ते बनाने वक्त यूज़ हो गई और कुछ बची हुई है, तो वो सारे बर्तन सूख चुकी है। तो मैं फिर बर्तन को सबको सजा दे रही हूँ, क्योंकि और थोड़ा और बर्तन गंदा हो गया है, सिंक में पड़ा हुआ है। तो ये तो टोकरी भरी हुई थी तो इसीलिए मैं उसे कहाँ रखती। तो सबसे पहले मैं इन बर्तनों को मैं सजा लेती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड लाए थे कुछ फ्रूट, तो डंठल लगी हुई ही थी और बच्चे सारे अंगूर खा लिए थे, तो ख़राब लग रही थी देखने में और ख़राब भी हो जाती, तो इसीलिए मैं उसे छुड़ा कर रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए तो वो खा सकें। तो सुबह के नाश्ते में मैं बनाई थी चने की सब्ज़ी और पराठा, तो बच्चे भी ले गए और हस्बैंड भी खा कर गए हैं। तो देखिए इतना सारा बच गया है तो हमारे दोपहर के लिए भी हो जाएगी, और मेरे घर में कभी भी एक सब्ज़ी नहीं बनती है दोपहर में, तो आज मैं एक ही बनाऊंगी, क्योंकि ये चने की सब्ज़ी बच गई है तो एक मैं कोई भी सब्ज़ी बना लूंगी तो फिर हो जाएगा। उसके बाद फिर सलाद वगैरह तो रहता ही है तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं रात में तो मैं किचन क्लीन करके एकदम सोती ही हूँ, क्योंकि सुबह उठकर बहुत, सुबह बच्चों का स्कूल हो गया है और दूर भी है तो एक घंटा बिफोर निकलना रहता है बच्चों को, मेरे बच्चों को, तो इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात में ही सारा काम कर लेती हूँ। सुबह उठकर मैं सिर्फ एक बार कपड़ा मार देती हूँ स्लेप में, क्योंकि देखिए चलते रहते हैं, कुछ भी कॉकरोच वगैरह कुछ भी आ जाए, कीड़े मकोड़े हो तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, रात में कोई भी चल जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे से मैं कर लेती हूँ। और फिर सुबह नाश्ता बनाने के बाद भी फिर से स्लेप गंदा हो ही जाता है, क्योंकि बोली ना मैं कि सुबह सुबह घमासान चलता है, तो फिर से मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोपहर का खाना बनाना रहता है। तो दोपहर का खाना मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं सब कुछ कर अपना आराम से मैं नहाने जाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करके नाश्ता करके तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर गाना गाकर ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं लैपटॉप हो या टीवी हो किसी में भी मैं गाना लगाकर और काम करते रहती हूँ, क्योंकि देखिए करना तो हम ही लोग को है, तो अगर ऐसे काम करेंगे तो बोरियत फील होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, मन चिड़चिड़ाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ सुनते सुनते गुनगुनाते अपना काम कर लेती हूँ, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो सारा काम हो गया है, फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सारा काम हो चुका है और पूजा हो गई, सारा काम कर ले, पूजा हो गई, खिड़की बंद कर ली, हवा आज बहुत अच्छी हवा चल रही है एकदम। मेरे और मेरे फेवरेट हस्बैंड का फेवरेट मौसम आज किया हुआ है, धूप निकली हुई है, हवा चल रही है, तो सुबह से आज काम करके थक गई। आज मेरे में एनर्जी नहीं थी, क्योंकि कल व्रत था तो आज एनर्जी नहीं था, फिर भी करना तो पड़ता ही है, तो सारा काम हो गया है। तो चलिए अब चलती हूँ मैं, नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा है लेकिन पानी पी कर ही पेट भर गया है, तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। Okay.
बर्तन वगैरह सारे धुले हुए हैं। तो पहले मैं आप लोग को बैठा देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता लेती हूँ। आइए आप लोग भी बैठ जाइए। नाश्ता ले ली हूँ। चलिए पहले खा लेते हैं। सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, बहुत जोर की प्यास लगी है मुझे। तो आजकल नाश्ता और खाना क्या है, आजकल तो सबसे पहले एकदम पानी से ही पेट भर जाता है, लगता है जितना लिक्विड ले सके वो कम है, तो फिर भी अनाज थोड़ा लेना ही रहता है। तो मैं रोटी ले ली हूँ खाने के लिए और मैं अभी खा रही हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड आते हैं 2 बजे, मतलब 1 बजे आ जाते हैं और 2 बजे खाना खाना रहता है। उस वक्त मुझे भूख नहीं लगता है, तो मैं इसीलिए ऐसा करती हूँ कि थोड़ा कम ही नाश्ता भी करती हूँ, क्योंकि हम लोग का हमेशा आदत है सबका साथ में ही खाने का। तो इसीलिए मैं उस समय के लिए थोड़ा सा अपना पेट को खाली ही रखती हूँ, वरना अगर मैं 2-3 रोटी खा लूँगी तो फिर पेट फुल हो जाएगा। चैन नहीं है, देखिए नाश्ता कर ही रही थी तब तक नल खुल गई है, तो मैं पानी भर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कूलर में पानी भर लेती हूँ। कूलर में पानी भर रही हूँ क्योंकि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल, इतना ज़्यादा गर्मी है। यहाँ से पता चल जाता है कितना भर आया। मैं खुल के ही पौधों में पानी दे रही थी सबसे पहले, सुबह में भी हस्बैंड दे कर गए थे, लेकिन अभी एकदम अजीब सा हो गया था मिर्ची के पौधे, इसमें भी मैं पानी दे दी हूँ कूलर भी भर ली और बॉटल वगैरह भर ली हूँ, लेकिन एक मैं छोटा सा ड्राम है प्लास्टिक का उसमें भी भर लेती हूँ क्योंकि गर्मी के दिन है। तो वहाँ देखिए चावल चढ़ी हुई है और अभी मुझे सब्जी बनाना बाकी है और समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। तो ये भर जाएगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। भर गया है, उसके बाद देखिए मेरे कपड़े भी धुलने लगा दी थी तो वो भी धुल गई है, उसमें इससे भी मैं खंगाल लेती हूँ। मैं ना मशीन में ही कपड़े खंगाल लेती हूँ क्योंकि कौन निकालेगा। तो कपड़े मेरे धुल गए थे तो उसके बाद फिर सिर्फ खंगालना था, तो मोटर चल रही थी तो मैं सोची कि चलो मशीन में ही मैं खंगाल लेती हूँ, क्योंकि टब वगैरह में खंगालने से अच्छा है, मशीन ज़्यादा स्पेसियस होता है, तो इसीलिए मैं उसी में खंगाल लेती हूँ। और ऐसे भी जब भी मैं कपड़ा धुलती हूँ मशीन में, मैं तभी कपड़ा धुलती हूँ जब पानी आ रहा होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरा जो है वाश बेसिन है उसमें पाइप नहीं लगता है, तो इसीलिए जब नल से पानी आता है उस। और आज मेरे खाने में बना है बेसन की पकौड़ी की सब्जी। और यहाँ आ गई है मिष्टी। हाय मिष्टी, मिष्टी थक गई ना, आप लोग दोनों को जहाँ पूरा मारता है लाल कर देगा। तो यहाँ पर हस्बैंड भगना को डरा रहे थे कि मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगा अगर वो बदमाशी करोगे, तो दोनों को सोनू को और भगने को। तो हस्बैंड सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे तो सब सारे बच्चे खा लिए और मेरा रखा हुआ था तो मुझे तो याद ही नहीं था, तो सब सो गए तो मुझे याद आया कि अरे मेरा आइसक्रीम तो रखा हुआ है। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस बाय।